तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और हम शुरुआत कर रहे हैं नीट 2016 फेज टू के इस क्वेश्चन से। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस स्मॉल आर। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट अ रेट डी डी टी बी। लूप वन ऑफ रेडियस कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर एनक्लोजेस द रीजन स्मॉल आर, एंड लूप टू ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज आउटसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। द ई एम एफ जनरेटेड इज, तो ये बेस्ड है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पर। क्या लॉ है वो? कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है विद नेगेटिव साइन डी फाई बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। फ्लक्स हम जानते हैं, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। बी डॉट ए मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये इक्वेशन यहां पर, ये फॉर्मूला या ये लॉ यहां पर काम आने वाला है। हमसे क्या बोला हुआ है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिस्ट्रिक्टेड है इस रीजन में, स्मॉल आर रेडियस के इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट कर रही है। ये उसके बाद ये कहा है कि ये फील्ड इस रेट से चेंज हो रही है, डी बी डी टी उस फील्ड के चेंज होने का रेट है। और दो रीजन्स या दो लूप्स हमने कंसिडर किए हैं। ये लूप वन जो इसको एनक्लोज कर रहा है, मतलब इसको सराउंड कर रहा है, और लूप टू कहीं बाहर है। हमको बताना है दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना कितना होगा। तो अब इस रीजन की पहले बात कर लें, तो इस रीजन में क्या मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो चेंज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी यहां तो ये बी ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बी जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं, क्योंकि फील्ड ही नहीं है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। मतलब इसका आंसर तो जीरो होगा, एट अ ग्लांस हम बतला सकते हैं। और ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए में बोला है जीरो इन लूप टू, जीरो इन लूप टू, सी में भी कहा है, एंड जीरो इन लूप टू डी में भी है। यानी ए सी या डी में से कोई करेक्ट होना चाहिए। अब इसकी वन की बात कर लेते हैं। अब ये डॉट डॉट दिखाने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर काम कर रही है, और इस एरिया पर नॉर्मल ड्रॉप कर दें तो वो इस एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी, वो भी आउटवर्ड। यानी बी और ए के बीच एंगल जीरो है। तो इस फॉर्मूले से सोचें तो हमको ईएमएफ को लिखना चाहिए माइनस डी डी टी बी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है और उसमें कॉस थीटा में थीटा कितना हो गया है, जीरो। जैसा मैंने कहा आपसे, इस रीजन का वो जो एरिया वेक्टर है वो बाहर आएगा, फील्ड भी बाहर है, तो कॉस जीरो हो गया, एरिया चेंज हो नहीं रहा है, उसको बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है, डीबी डीटी। और ये तो दिया ही है, डीबी डीटी ही रेट ऑफ चेंज दिया है, और उसको बोल्ड कर रखा था, इसका मतलब वो वेक्टर फॉर्म में है। तो डीबी डीटी हो गया। उसके अलावा एरिया जो है इसका कितना होगा इस रीजन का, तो वो होगा विद माइनस साइन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर उसका एरिया हो गया, और ये डीबी डीटी यहां लिख लेते हैं, बस यही इसका आंसर होगा। तो माइनस डीबी डीटी पाई कैपिटल आर स्क्वायर इन लूप वन एंड जीरो इन लूप टू, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, यही इसका आंसर है। अब नीट 16 फेज वन का ये क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत आसान है। अ लॉन्ग सोलोनॉइड हैज 1000 टर्न्स। सोलोनॉइड आप जानते हैं, इस तरह का होता है, देखा हुआ है आपका, ऐसा होता है सोलोनॉइड। व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज, उसमें से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है थ्रू इट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलोनॉइड इज 4 × 10⁻³-3। ये क्या लिखा है? वेबर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, वेबर। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड इज, अब हम तो बेसिक पर जाएं, ये फॉर्मूला किसी को रटा नहीं होता, सेल्फ इंडक्टेंस सोलोनॉइड, वो तो हम सोचेंगे उसी समय कि सेल्फ इंडक्टेंस सोलोनॉइड का क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पे जाएं तो हमको मालूम है फ्लक्स, किसी सर्किट से लिंक्ड फ्लक्स उसमें फ्लो होने वाले करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहां से आया है? तो हमको बाय सेवर्ट लॉ मालूम है। बाय सेवर्ट लॉ ये कहता है कि बी प्रोपोर्शनल टू आई, और फ्लक्स की डेफिनेशन कहती है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, फाइव इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा।
फाई प्रोपोर्शनल टू बी, आई प्रोपोर्शनल टू बी, तो आई और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहां कांस्टेंट डालते हैं और वो कांस्टेंट ही कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस उस सर्किट का। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, ये याद आ जाना चाहिए था आपको। और ये यदि याद आ गया है तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें करना सिर्फ क्या है, फ्लक्स में करंट से डिवाइड कर देना है। अब ये फ्लक्स है एक टर्न से लिंक्ड, यदि तो टोटल कितना फ्लक्स लिंक्ड हुआ होगा सर्किट से, एन फाई बाई आई। यदि ये फाई सिंगल टर्न का फ्लक्स है तो टोटल जो फ्लक्स उस सोलेनोइड से एसोसिएट हुआ वो कितना होगा, एन फाई। तो बस अब वैल्यूज डालनी है, एन इज गिवन टू बी 1000 क्योंकि 1000 उसमें टर्न्स हैं, एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स है 4×10⁻³, करंट इज 4 एम्पियर। सब कुछ एसआई में है तो कोई बात नहीं, ये वेबर में है, ये एम्पियर में है, तो हमारा काम बन गया। हमको सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगा हेनरी में और वो आ गया 1 हेनरी क्योंकि ये 4 4 कैंसिल, ये 1000×10⁻³ मतलब 1 हेनरी इसका आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो इस सवाल से क्या, हर सवाल से फिजिक्स के हमको ये समझना चाहिए कि जब कभी उलझन महसूस करें तो हम अपने बेसिक्स पर जाएं, क्योंकि जो आजकल प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम्स में वो जनरली बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, फंडामेंटल पर बेस्ड हुआ करती हैं। तो जब कभी उलझन हो तो रिकॉल करो अपनी थ्योरी, उसी समय फॉर्मूला बनाओ, बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, और उसको सॉल्व कर लो। तो यही आइडिया है न्यूमेरिकल्स को मास्टर करने के पीछे, कि हमारी थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए तो हमसे न्यूमेरिकल तो बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो थ्योरी का ही चेक है। हम ये जानना चाहते हैं या एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपका वो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपकी मैथ्स की जांच नहीं है यहाँ पर। यदि ये मैथ्स की परीक्षा होती तो फिर पीएमटी में फिजिक्स नहीं पूछी जाती। तो इससे समझना चाहिए हमको कि मैथ्स के पीछे ना पढ़े, कॉन्सेप्ट्स के पीछे पढ़े, फंडामेंटल के पीछे पढ़े, तो आराम से आपसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नीट 2015 पेपर 2 का। An electron is moving on a straight line path xy as shown. The ABCD is a coil adjacent in the path of electron. What will be the direction of current, if any, induced in the coil? तुमको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर मूव कर रहा है, xy पाथ पर। डायरेक्शन उसका नहीं बताया, whether it is going from x to y or from y to x, पर बस इतना कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस पाथ पर। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इसमें इंड्यूस करंट आ रहा है या नहीं, प्रोड्यूस होगा या नहीं, ये हमको बताना है। तो कैसे सोचेंगे कि इंड्यूस्ड करंट के लिए चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के लिए फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, क्योंकि ई इज इक्वल टू होता है d∅/dt, यानी इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, तभी इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब फ्लक्स में चेंज होने के लिए हम जानते हैं क्या क्या चेंज हो सकता है, या तो बी चेंज होगा या ए या फिर कॉस थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला मोटे मोटे तौर से हम बोल सकते हैं बी ए कॉस थीटा। तो फील्ड चेंज हो या एरिया या फिर कॉस थीटा चेंज हो, या एरिया चेंज हो नहीं रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो नहीं रहा है, तो ए भी चेंज नहीं हो रहा है, कॉस थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी बी चेंज हो रहा होगा। तो कैसे चेंज हो रहा होगा, तो यूं सोचना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यदि इधर मूव कर रहा है तो ये करंट कंस्टिट्यूट करेगा, क्योंकि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है तो इसने कंस्टिट्यूट किया होगा करंट, और यदि करंट कंस्टिट्यूट किया तो करंट की वजह से वो बन गया लाइक करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे एसोसिएटेड हो जाएंगी, मतलब इससे एसोसिएट हो जाएगा इस कंडक्टर या इस इलेक्ट्रॉन मोशन की वजह से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, मतलब इससे बी तो एसोसिएट हो गया, ये हमने जस्टिफाई कर लिया। अब हमको ये सोचना है कि क्या ये बी चेंज हो रहा है क्या, तो कैसे सोचेंगे, तो मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे हैं,
अब इलेक्ट्रॉन यदि इस तरह मूव कर रहे हैं तो हम करंट को y2x सपोज कर सकते हैं। करंट यदि y2x जा रहा है तो हम इसको यूं होल्ड करेंगे राइट हैंड से, ये मैं लगा रहा हूं राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक लाइंस पता करने के लिए। तो ये कैसी होंगी मैग्नेटिक लाइंस, इस तरह की, इधर बोर्ड से अंदर और इधर बोर्ड से बाहर। तो बोर्ड से अंदर मतलब इधर क्रॉस की फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी इस इलेक्ट्रॉन मोशन की वजह से। अब इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड तो एसोसिएट हो गई। अब हमको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बदल रही है। तो किस तरह बदल रही है हम देखें, जब इलेक्ट्रॉन यहां कहीं दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर हम सपोज करते हैं, कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो बाय सेवर्ट लॉ से हम कह सकते हैं कि ये क्योंकि डिस्टेंट पॉइंट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा ये डिस्टेंस कम होने की वजह से फील्ड बढ़ती चली जाएगी। और फील्ड बढ़ रही है मतलब क्रॉसेस बढ़ेंगे, और क्रॉसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो इंड्यूस करंट होगा वो इन क्रॉसेस के बढ़ने का ऑपोज करेगा, मतलब डॉट प्रोड्यूस करेगा, और डॉट प्रोड्यूस करने के लिए वो नॉर्थ बन जाएगा, और नॉर्थ बनने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट बहने लगेगा। ये सिचुएशन यहां तक चलेगा। मान लो ये कोई पॉइंट पी है, तो ये मैंने बात की है फ्रॉम एक्स टू पी। अब फर्दर पी से आगे बढ़ने पर क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड फिर से कम 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 होने लगेगी, मतलब क्रॉसेस कम होने लगे, और क्रॉसेस कम होने लगे तो ये क्रॉस बढ़ाएगा इंड्यूस करंट, और क्रॉस बढ़ाने के लिए साउथ बनेगा, और साउथ बनने के लिए वो इस तरह का करंट फ्लो होगा, कैसा, क्लॉकवाइज। पहले हो रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी इलेक्ट्रॉन को यदि इधर मूव करता हुआ मान ले तो ड्यूरिंग एक्स टू पी करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड फ्रॉम पी टू वाई वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब वो डायरेक्शन चेंज करता है। अब ऑप्शंस पर पहले इस पर ध्यान दें, डी नो करंट इज इंड्यूस्ड, तो करंट तो इंड्यूस होगा जैसा हमने अभी जस्टिफाई किया। ए बी सी डी ए डी सी बी, ये एक एक्स से पी तक देखें तो ये ऐसे बह रहा है, तो क्या बोलना पड़ेगा, ए ए बी ये सी होना चाहिए, ए बी ये सी होना चाहिए, और इसे डी होना चाहिए, यानी ए बी सी डी ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और ए डी सी बी ए डी सी बी ये क्लॉकवाइज के लिए। तो ये तो दोनों तरह का है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप पढ़ें इसे, द करंट विल रिवर्स द डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा, फिर से मैं एक बार बता देता हूं फटाफट। अब अगली बार यदि ये क्वेश्चन आया तो इंस्टेड इलेक्ट्रॉन कोई करंट कैरिंग कंडक्टर भी दे सकते हैं। तो क्या बोला था हमसे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स वाई पाथ पर मूव कर रहा है, उसके एडजेसेंट एक कॉइल रखा हुआ है, इसमें कोई सोर्स नहीं है ईएमएफ का इनिशियली। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो एक करंट कंस्टिट्यूट करेगा, उस करंट की वजह से चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इससे एसोसिएट होंगी, और इसके मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लगातार बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड पहले बढ़ेगी और फिर कम होगी, इसमें बढ़ेगी इसमें कम होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसलिए इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और फिर लॉजिक वही लगाएंगे, लेंज लॉ, कि जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मतलब क्रॉसेस बढ़ रहे हैं, क्रॉसेस बढ़ रहे हैं तो इसे क्या प्रोड्यूस करना है, डॉट्स, और डॉट्स के लिए ये नॉर्थ जैसा बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद जब फील्ड घटेगी, घटना मतलब क्रॉस घट रहे हैं, क्रॉस घट रहे हैं तो क्रॉस बढ़ाने के लिए ये साउथ बन जाएगा, मतलब इस तरह का करंट बहेगा, मतलब फ्रॉम एक्स टू पी चलने पर एंटी क्लॉक पी वाई क्लॉक, यानी एक बार करंट होगा ए बी सी डी और दूसरी बार होगा ए डी सी बी, यानी द करंट विल रिवर्स द डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। तो बहुत अच्छा सवाल था, तो इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा इसको डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे आईपीएमटी 14 का ये प्रॉब्लम। अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग पी क्यू आर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज वी इज, ये शो किया हुआ है फिगर में, ये क्रॉस की फील्ड, क्रॉसेस की फील्ड मतलब परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्स, यूनिफॉर्म फील्ड दिखाई पड़ रही है मैग्नीट्यूड बी, और इसमें एक सेमी सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस स्मॉल आर है ये इस तरह फॉल हो रही है कि उसका प्लेन फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो हमको बताना है
पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ अक्रॉस द रिंग कितना प्रोड्यूस होगा जब उसकी स्पीड वी है। तो ये केस है मोशनल ईएमएफ का। जब भी कोई कंडक्टर कटिंग ऑफ फ्लक्स करता है, कटिंग ऑफ फ्लक्स कोई एरिया जनरेट या एरिया स्वीप करना कहते हैं, तो जब भी कोई कंडक्टर कटिंग ऑफ फ्लक्स करता है तो उसके एंड्स पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और उसका फॉर्मूला ऐसा है, ई इज इक्वल्स टू बी वी एल साइन थीटा। इसको अच्छे से समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को। बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, वी उसकी वेलोसिटी या स्पीड, एल उसकी लेंथ। पर कौन सी लेंथ? स्ट्रेट कंडक्टर है तो कोई बात नहीं, पर यदि वो कर्व्ड है तो उसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जैसे इस एग्जांपल में पी क्यू आर है तो पी को क्यू से ज्वाइन करेंगे और पी से क्यू की तरफ एरो मार्क लगा देंगे। मतलब हमको इस लेंथ की बात करनी है पी क्यू आर, और मैं जानबूझकर इसको थोड़ा थिक बना रहा हूं ड्यू टू सम रीजन। तो ये है वो पी क्यू, हमको ये लेंथ लेनी है। फील्ड कहां काम कर रही है? तो फील्ड तो बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर है। अब मैं वापस यहां आता हूं, ये सब मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। बी मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड, वी इसकी स्पीड, तो डाउनवर्ड्स है, यहां ले लेंगे। एल इसकी ये लेंथ लेंगे, और ये लेंथ हाल फिलहाल क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, वो होगी 2R। 2R ले लेंगे और वी और एल के बीच एंगल लेकर उसका साइन ले लेंगे। तो वी है नीचे और एल है ये, एंगल होगा 90, तो साइन 91 होकर आंसर बी वी एल होगा। अब L कितना है? 2R, फील्ड है B, स्पीड है V, यानी आंसर तो हो गया 2R BV। ये इंड्यूस्ड EMF या पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड आ गया 2R BV, ऑप्शन D में दिखाई पड़ रहा है, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अब हमको बताना है कि P और R में से, दिस इज नॉट Q बट R, तो P और R में से किसका पोटेंशियल हायर होगा जैसा ऑप्शन में कहा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यूं सोचेंगे कि ये कंडक्टर है तो इसके भीतर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये कंडक्टर नीचे फॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी फॉल हो रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन हो गई लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड में, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ऊपर फोर्स निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स यदि नीचे गिर रहे हैं तो उससे करंट जो कंस्टिट्यूट होगा वो ऊपर होगा, तो मिडिल फिंगर को तो इस तरह हमको दिखाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, मिडिल फिंगर ऊपर। और अब क्या चाहिए आपको? फोर्स। वेलोसिटी कहां पर है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई, वेलोसिटी ऊपर हो गई, करंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी या करंट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इधर लगेगा, यानी सब इलेक्ट्रॉन्स यहां इकट्ठे हो जाएंगे P पर। और इलेक्ट्रॉन्स यदि यहां सब इकट्ठे हो जाएंगे तो इस एंड पर इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब R जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा। तो इस ऑप्शन में दोनों चीजें जस्टिफाई हो रही हैं, 2R BV एंड R इज एट हायर पोटेंशियल। मान लो आपको डायरेक्शन निकालते नहीं भी बनती होती तो भी ये ऑप्शन आपको 2R BV से ही करेक्ट हो रहा है, बाकी सब इनकरेक्ट है, एंड सो द आंसर इज डी। तब करते हैं CBSE AIPMT 13 का क्वेश्चन। अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आया होगा, वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मतलब जनरेटर की बात हो रही है, एसी या डीसी कोई भी जनरेटर, उसकी बात चल रही है। और जब किसी वायर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो क्या होता है? होता यह है कि फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि हमको फ्लक्स का क्या फॉर्मूला मालूम है, वो है बी ए कॉस थीटा। तो फील्ड चेंज नहीं हो रही, एरिया चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज होता है उस समय कॉस थीटा, ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यदि कॉइल क्लोज्ड है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो जनरेटर का प्रिंसिपल है, और फ्लक्स का तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो फाई इज इक्वल टू बी ए, यदि एन टर्न्स होंगे तो हम लिखेंगे एन बी ए कॉस ओमेगा टी, बस यहां आ जाएगा। ये होता है फ्लक्स का इक्वेशन। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं, अदरवाइज आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है, ट्वाइस पर रेवोल्यूशन, क्योंकि हम जानते हैं, हम एसी में हमने पढ़ा हुआ है इस तरह का करंट प्रोड्यूस होता है या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है,
हम देख रहे हैं कि एक साइकिल में वो दो बार जीरो और दो बार मैक्सिमम होता है, या एक साइकिल में वो दो बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अभी कैसा रहा? पॉजिटिव, फिर हो गया वो नेगेटिव। तो आपको आंसर तो पता है, पर मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा था कि ये है फ्लक्स का इक्वेशन, और इसको डिफरेंशिएट करने पर माइनस डी डी टी फाई एन बी ए कॉस ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करने पर हमको मिलने वाला है ईएमएफ का इक्वेशन। तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ का इक्वेशन है, और ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नॉट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका भी कर्व कैसा आएगा? साइनोसॉइडल ऐसा कर्व आएगा ड्रॉ करने पर, और वो एक पीरियड में, एक टाइम पीरियड के बराबर समय में दो बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। एंड सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन। इससे ये एक बात और समझनी है कि इस ईएमएफ की भी फ्रीक्वेंसी वही होती है जिस फ्रीक्वेंसी से हम उसे रोटेट करते हैं कॉइल को, ये ध्यान रखेंगे। यदि हम 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड से कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो जो हमको आउटपुट मिलेगा ईएमएफ या वोल्टेज या करंट, उसकी भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जिस फ्रीक्वेंसी से उसे हम कॉइल को रोटेट कर रहे थे। तो इसका आंसर है ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन। एआईपीएमटी 2012 का ये क्वेश्चन है। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन वेबर लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम टी इन सेकेंड एज फाई इक्वल्स टू 50t² + 4। ये फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन दिखाया हुआ है। फाई है फंक्शन ऑफ टाइम। द करंट इन द कॉइल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज। तो इस इक्वेशन ने हमको बताया कि यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और यदि वो कॉइल क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? तो इंड्यूस्ड करंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन उस कॉइल का रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ लगा दिया हमने। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा तो हमको मालूम है, वो होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/R dφdt। इस फॉर्मूले से हम करंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम dφdt निकाल लेते हैं। ddt of phi इज 50t² + 4। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो हो जाएगा 100t। ddt of 50t² तो 50 बाहर, t² का ddt करेंगे 2t आएगा, 100t बन गया। ये कांस्टेंट है वो जीरो हो गया। दिस मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास, इसको एक माइनस साइन और यदि दे देंगे तो हमको ये ईएमएफ मिल गया माइनस 100t के बराबर। तो ये ईएमएफ आ गया। अब ईएमएफ आ गया तो इसको बस हमको, अब टाइम कौन सा है, वो करंट किस इंस्टेंट पे निकालना है, वो इंस्टेंट है 2 सेकेंड। उस समय ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, इस माइनस को हम छोड़ देंगे। तो कितना होगा मैग्नीट्यूड? 100 × टाइम की जगह डाल देंगे यहां से 2, तो हो गया वो 200। बस अब फॉर्मूले में यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये क्या निकाला है हमने? ये निकाला है ईएमएफ, और ये माइनस हटा दिया है, तो ईएमएफ बाई आर ही कर रहे हैं हम। आई इज इक्वल टू ईएमएफ इज 200 अपॉन रेजिस्टेंस इज 400, 2/4 मतलब 1/2, दैट मींस 0.5 एम्पियर। ये आ गया करंट, उस इंस्टेंट का करंट निकला है 2 सेकेंड पर करंट 0.5 एम्पियर, एंड सो इज द करेक्ट आंसर। अब ये करेंगे AIPMT 12 की प्रॉब्लम। द करंट I इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन द फिगर। ये फिगर शो किया है, इसमें ये है करंट इन द इंडक्टेंस, मतलब ये इंड्यूस्ड करंट है, टाइम के साथ इस तरह इसका वेरिएशन आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम इन द कॉइल। तो फैराडे के लॉ से सोचे हम, हमको मालूम है इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट में वेरिएशन के बीच रिलेशनशिप। ई इज इक्वल टू होता है विद माइनस साइन LdIdt। ये आपको याद आया होगा। अब यहां पर इस एल को, एल तो कॉन्स्टेंट है, यानी E प्रोपोर्शनल टू विद माइनस साइन DI / dt लिख लेते हैं हम।
और ये डीआईडीटी क्या है, तो यदि करंट और टाइम के बीच हमको ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ का ये स्लोप है, यानी ई प्रोपोर्शनल टू विद माइनस साइन स्लोप ऑफ आई वर्सेस टी प्लॉट, ऐसा हम कह सकते हैं, आई वर्सेस टी प्लॉट। अब इसकी स्टडी करें, अब यहां क्या हो रहा है, यहां बताया हमको कि जीरो से टी बाई टू टाइम तक, जीरो से कैपिटल टी बाई टू टाइम तक करंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप यहां पर कांस्टेंट है, और यदि स्लोप कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा, पहली बात तो ये। यहां पर भी स्लोप टी बाई टू से टी के बीच भी स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ बने हुए एंगल का क्या लेना होता है हमें, टेंजेंट, तो यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, दूसरी बात पॉजिटिव है, यहां पर स्लोप कांस्टेंट है नेगेटिव है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जीरो से टी बाई टू समय तक दो चीजों को आप अच्छे से देखिए इस ग्राफ में, कौन सी दो चीजें, एक तो ये कि स्लोप इज कांस्टेंट, अब यदि मैं कह रहा हूं कि स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से ईएमएफ भी कांस्टेंट रहेगा, ईएमएफ वेरी नहीं करेगा, ईएमएफ कांस्टेंट होगा, दूसरी बात यह कि स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, और यदि स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, यानी उसे होना चाहिए कांस्टेंट और नेगेटिव, कब से कब तक, जीरो से टी बाई टू तक। आगे यदि बात करेंगे टी बाई टू से टी की बात यदि हम करेंगे इस पार्ट के लिए तो क्या कहेंगे, स्लोप कांस्टेंट तो है पर नेगेटिव है, तो क्या हो, क्या होगा, ईएमएफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से और नेगेटिव होने की वजह से स्लोप के ईएमएफ आएगा पॉजिटिव। बस इन बातों का ध्यान रख के हम आराम से वोल्टेज का वेरिएशन बतला सकते हैं टाइम के साथ। तो क्या ये तीनों ग्राफ सही हो पाएंगे, तो एट अ ग्लांस आप बोल देंगे कि नहीं, क्योंकि ई को तो कांस्टेंट रहना है, बस एक बार आधे समय तक नेगेटिव रहना है और अगले आधे समय तक उसे पॉजिटिव हो जाना है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ सही होना चाहिए, ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट। अब ये करते हैं एआई पीएमटी 2012 का क्वेश्चन, द करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है जिसमें करंट टाइम के साथ इस तरह वेरी हो रहा है, पॉजिटिव है बढ़ रहा है, उसके बाद पॉजिटिव रहते हुए कम हो रहा है, मतलब किसी इंडक्टर में करंट वेरी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम इन द कॉइल, वोल्टेज मतलब ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो रही है, तो हमको पता है किसी इंडक्टेंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना होता है माइनस एल डी आई डी टी, मैंने फैराडे का सेकेंड लॉ लिख दिया है। अब किसी इंडक्टर के लिए एल तो कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन डी आई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम, और मैथ्स के लैंग्वेज में बोले तो ये इस कर्व का स्लोप है, इसको हम कह सकते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ आई वर्सेस टी प्लॉट, और यदि ये स्लोप है, यदि ये स्लोप है तो स्लोप होता क्या है, उस कर्व का टेंजेंट क्या लेना पड़ता है हमको, एंगल फॉर्म बाय द ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, ये एंगल फाइंड करके उसका टेंजेंट ले लेंगे, मतलब टेन थीटा भी इसको हम कह सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल फॉर्म्ड विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ई प्रोपोर्शनल टू विद माइनस साइन टैन थीटा, हम ऐसा कह सकते हैं। बस इन बातों का ध्यान रख के हम वोल्टेज के बारे में बतला सकते हैं, तो यहां ध्यान दें जीरो से टी बाई टू समय तक क्या हुआ, जीरो टू टी बाई टू इस इंटरवल में यहां ध्यान दें तो करंट यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, स्लोप कैसा है, तो ये क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 का, द करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम इन द कॉइल, तो ये इसके बारे में पहले बात की है उन्होंने, ये है प्लॉट जो बता रहा है कि करंट किसी इंडक्टर में टाइम के साथ किस तरह वेरी हो रहा है, तो ध्यान दें
करंट पहले क्या है, बढ़ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैक्सिमम होता है, फिर पॉजिटिव रहते हुए मतलब डायरेक्शन चेंज किए बगैर घटते हुए जीरो हो जाता है। इस तरह किसी इंडक्टर में टाइम के साथ करंट वेरी हो रहा है। अब यदि करंट वेरी होगा तो क्या होगा, फ्लक्स वेरी होगा, फ्लक्स के वेरिएशन से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ वेरिएशन किस तरह होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस प्लॉट, वो हमको बतलाना है इन एबीसीडी में से। तो कैसे सोचेंगे, हम सोचेंगे इस तरह कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू विद माइनस साइन एल डी आई बाय डी टी। ये है फेराडे का सेकेंड लॉ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस एल इंटू स्लोप डी आई डी टी, मतलब इस कर्व का आई टी कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ आई वर्सेस टी प्लॉट। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, यहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएंगे, यदि एल कांस्टेंट है हटा देंगे तो ई प्रोपोर्शनल टू विद माइनस साइन हम लिख सकते हैं टैन थीटा। स्लोप मतलब इस कर्व ने टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसका टेंजेंट, एक ही बात है सब कुछ। और इस बात का ध्यान रखकर हम वोल्टेज का टाइम के साथ वेरिएशन बतला सकते हैं। पहले हम इसकी स्टडी करेंगे, जीरो से टी बाई टू समय तक क्या हुआ, वेरिएशन करंट का टाइम के साथ किस तरह हुआ, इस पर ध्यान दें। तो करंट बढ़ रहा है टाइम के साथ, पर यह स्लोप कॉन्स्टेंट है, स्लोप कॉन्स्टेंट है एक बात, और स्लोप कॉन्स्टेंट है, यहां से सोचें कि यदि स्लोप कांस्टेंट है तो ई भी कैसा हो गया, कांस्टेंट। ये बात हमको समझ में आती क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, ये स्लोप है कैसा, तो ये पॉजिटिव है, और यदि ये स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ आएगा नेगेटिव। यानी स्लोप की स्टडी करें आप, स्लोप कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे ईएमएफ इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। तो जीरो से टी बाई टू में कांस्टेंट और नेगेटिव, इस बात के लिए तो यही एग्री है ग्राफ, जीरो से टी बाई टू के बीच ईएमएफ नेगेटिव और कांस्टेंट है। अब टी बाई टू से टी में आए तो वैसे तो आंसर आपको मिल गया है, डी इज करेक्ट, पर टी बाई टू से टी पर आए तो हमको क्या सोचना पड़ेगा, स्लोप कैसा है। तो इस कर्व का स्लोप है तो कांस्टेंट क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, कांस्टेंट है नेगेटिव है, इसका मतलब ईएमएफ होगा कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, जो यहां दिख रहा है कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, एंड सो ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। अब एआईपीएमटी 2011 की प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी हमने 2012 का किया था। द करंट आई इन अ कॉइल वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम वुड बी, यहां ध्यान दें यहां प्लॉट हुआ है टाइम और इधर प्लॉट हुआ है करंट। जीरो से टी बाई फोर के इंटरवल तक करंट कैसा है, इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से। उसके बाद टी बाई फोर से टी बाई टू टाइम तक वो कांस्टेंट हो गया, और फिर टी बाई टू से थ्री टी बाई फोर तक वो यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होकर जीरो हो गया। इस तरह करंट इंडक्टर में वेरी हो रहा है, हमको बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। तो जैसा हमने पहले आपसे कहा था अभी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है विद माइनस साइन एल डी आई बाय डी टी, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव साइन स्लोप विद नेगेटिव साइन, ई प्रोपोर्शनल टू स्लोप विद नेगेटिव साइन। तो ये बस ईएमएफ के बारे में हम बतला सकते हैं सिर्फ स्लोप को देखकर। इधर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, नेगेटिव कांस्टेंट। ये नेगेटिव मिल रहा है पर कांस्टेंट नहीं है, यहां देखें तो ये नेगेटिव और कांस्टेंट है। फिर आगे बढ़ें तो यहां क्या हो रहा है, यहां पर स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तो ये दिख रहा है यहां पर ये जीरो, इसके वेरिफिकेशन के बाद इसकी बात कर रहे हैं। अब आगे क्या होना चाहिए, आगे टी बाई टू से थ्री टी बाई फोर में स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो ऐसा होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है।